हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फॉलन इन लव स्प्लिट पर्सनालिटी का पार्ट टू एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जब फूजी सोने जा रहा था तो वो अपने अंदर को लिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम एक मैसेज से मेरा प्लान को रोक सकते हो, अब आज ही होटल अब मेरा है, और वो बोल के सो जाता है। कुछ देर बाद जिया और उसका सपना आता है, वो अपने आप अगले पल ही हम उसका कार का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं। उसका कार खाई में गिरने ही वाला था, तब उसे एक आदमी बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फूजी के सोने के बाद लीन आ गया था उसको और अपने आप को ख़त्म करने के लिए, इसलिए वो कार से एक्सीडेंट करवा देता है। पुलिस आता, उसको हेल्प करता, उसको घर छोड़ देता है। फूजी को समझ में आ गया था कि ये लीन जिया के लिए कर रहा है ये सब, इसलिए वो सोच लेता है कि लीन के लिए वो जिया को हमेशा अपने पास ही रखेगा। जब भी लीन बाहर आए वो अपने आप को मारने का ना सोचे। जिया अपना पैकिंग करके वो एयरपोर्ट के लिए निकलने ही जा रही थी। वी फूजी उसे कॉल लगाकर उसे मना करता है जाने के लिए, पर वो बोलती कि अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है। वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है, बहुत ज्यादा वो सैड रहती है। दूसरे पल हम देखते हैं कि फूजी कार लेके आ जाता है, और जब कार का डिक्की खोलता है तो बहुत ज्यादा बैलून उड़ने लगता है। सब लोग वो बैलून को देखने लगता है, उस बैलून में लिखा हुआ था कि जिया प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। सब लोग उसी को देखने लगते हैं। तभी एक एयर होस्टेस आकर उनको बताती है कि आप एक जेंटलमैन आपका वेट कर रहे हैं। जिया जाकर विंडो से देखती है कि फूजी बाएं खलाकर वो बाहर खड़ा था। उसके बाद फूजी प्लेन के अंदर आता है, वो एक रिंग निकाल के जिया के उंगली में पहना देता है। उन लोग के लिए ताली बजा रहे होते हैं। एक एयर होस्टेस आकर जिया को जगाती, तब पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। बोलते एक जेंटलमैन आपको ढूंढ रहे हैं। तभी फूजी एक फाइल लेकर अंदर आ जाता है। जिया बहुत शर्मा जाती है, उसे लगता है को प्रपोज करेगा। फाइल लेकर बोलता है कि तुम नहीं जा सकती। देखते कि दोनों कार से वापस आ रहा है, उसने फूजी बोल रहा है कि तुम ये देश छोड़कर अभी नहीं जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 महीने तुम मेरे लिए काम करोगी। जिया बोलते कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है। तब फूजी बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अंकल ने साइन कर दिया था कि मैं तुम्हारे होटल के लिए कंपनसेशन देने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अब से फूजी भी जय होटल में काम करने के लिए आएगा, और वो अब से जिया का कैबिन यूज करेगा। जब जिया अपना घर का साफ सफाई कर रही थी, तब उसका कजन आता, बोलता है कि तुम्हें बिना मतलब को तो वो रोकेगा नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बात है, हो सकता है कि तुम्हें वो लाइक करता हो। तब जिया रात में टॉय को लेकर ये सब बात सोच रही थी, और वो डिसाइड करती है कि अब वो उसके पीछे नहीं जाएगी। जिया कैबिन में बैठी हुई थी, तभी फूजी आता है, उसे बाहर निकाल देता है, बोलता है कि तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं, तुम्हारा काम बाहर है। जिया अपना काम खत्म करके वो जा ही रही थी, तभी उसको फूजी देख लेता है, उसको नया काम दे देता है, फाइल का टुकड़ा देता है उसको जोड़ने के लिए। वह उसे जोड़ते जोड़ते रात हो जाता है। वो कभी बैठ के करती है तो कभी सो कर करती है, पर काम कंटिन्यू रखती है। जय भी उसको देख रहा था। जब वो नहीं दिखती है तो फूजी बाहर निकल कर देखता है कि जिया कहाँ गई है। वो काम करते करते वहीं पर फ्लोर पर ही सो गई थी। वो अपना ब्लेजर उड़ा देता है, और जब उसको पिल्ले के लिए दो फाइल रखता है तो उसका हाथ पकड़ के ही जिया सो जाती है, वो भी वहाँ पे सो जाता है। कितना जब सुबह होता है तो फूजी उठ के वहाँ से चला जाता है। जब उस जिया कहाँ के खोलता है तो वो असिस्टेंट को पाती है। अपना असिस्टेंट को ऑफिस जल्दी जाने के लिए बोला था, इसलिए क्योंकि वो जिया के लिए ब्रेकफास्ट ले जाए। जिया फूजी पर गुस्सा करते हैं कि उसको ऑफिस में अकेला छोड़कर चले गया, तो बोलती कि अब तो काम हो गया, मैं घर जाकर रेस्ट कर सकती हूँ। का लॉयर बोलता है कि नहीं, मुझे फूजी ने आपको पिकअप करने के लिए बोला है। जिया कार लेकर बहुत तेजी से फूजी के पास आती है, तो फूजी डर जाता है, फिर उसको ड्राइवर सीट से हटाकर खुद बैठ जाता, ड्राइव करने लगता है, और उसको अपने घर लेके जाता है। घर जाने से मना कर देती है, पर फूजी उसको लेके जाता, बोलता तुम्हें अंदर काम है। हम देखते हैं कि फूजी जिया को अपने घर लेकर आता है, और उसको पूल टेबल साफ करने का काम देता है, जिस पर जिया गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मैं इतनी ज्यादा अमीर हूँ, मैं पूल टेबल कैसे साफ कर सकती हूँ, अब मैं कम एक सीईओ हूँ होटल की। जिस पर फूजी बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें जो मैं कहूँ वो करना ही पड़ेगा, तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, ये बोलकर मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो बोलकर जाने लगती है। तब फूजी बोलता है कि अगर तुम्हारे होटल का डुप्लीकेट फर्नीचर का बात बाहर आ गया, फिर तुम्हारे होटल का इमेज तो पूरा डाउन हो जाएगा। जिस पर जिया मान जाती है पूल टेबल साफ करने के लिए। फूजी वो अपने डैड और कुछ शेयर होल्डर के साथ मीटिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा करके होटल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, और उसका न्यू प्लान प्रोजेक्ट वाला भी किसी को पसंद नहीं आया है, कोई भी फू फैमिली का गलती नहीं करता है। जिस पे बोलते हैं ठीक है फूजी, और वहाँ से उठ के चला जाता है, जिस पे उसके पापा कुछ ज्यादा ही गुस्सा होते हैं। वो जिया के पास जाता है, तब जिया बोलती है क्या तुम्हारा मीटिंग खत्म हो गया, अब मैं घर जा सकती हूँ। तब बोलते हैं कि तुम्हें तब तक साफ करना होगा जब तक मुझे पसंद ना आ जाए, जिस पर जिया गुस्सा करती है। उसे से वो बॉल से मारने जाते, तभी उसके अंकल लीन आ जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे अंकल और फूजी ये दोनों मीटिंग कर रहे थे। तभी उसके अंकल जिया को एक वर्कर समझकर उसको पानी लाने के लिए बोलती हैं। जिया अंकल के लिंग का बात सुनकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लगता है कि फूजी का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, अगर वो उनके साथ मिसबिहेवियर करेंगी क्लाइंट फूजी को बोलेगा उसको फायर कर देने के लिए।
चाय और बिस्किट लेकर आती है और उनसे जानबूझकर टकरा जाती है और उनको बीच में बातें करने में भी डिस्टर्ब करती है। जबरदस्ती उनको बिस्किट भी खिलाने लगती है, उन पे पानी भी गिरा देती है जिसपे वो परेशान हो जाते हैं। अंकल के हाथ से जिया का गर्म वाला पानी बॉल गिर के टूट जाता है, उसके पैर पर लग जाता है। तब दौड़ कर आता है फूजी और उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? फूजी उसे कैरी कर लेता है, फिर अपने अंकल को डांटता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। जो उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो बोलती है कि नहीं, कुछ गर्म पानी का छींटे पड़ गए हैं। फूजी को समझ में आ जाता है कि जानबूझ के की है। जिया उसे बोलती है, सॉरी मैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट को परेशान कर दी। तो बोलती है कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्लाइंट नहीं थे, वो मेरे अंकल थे। उसको फूजी देखता है चोट लग गया है, तो वो उसको एक दिन के लिए छुट्टी दे देता है। दूसरे दिन जिया रेडी उडी होकर वो कंट्री छोड़कर जाने वाली थी, तभी फूजी आ जाता है। उसको बोलता है कि आज मैं भी फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो बोलता है कि नहीं, मुझे अकेले ही टाइम स्पेंड करने का आदत है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, अब से तुम आर डाल दो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने का। ये बोलकर वो बैग अपने गाड़ी में डाल देता है और उसे भी पिकअप कर लेता है। वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। फिर जिया सबसे पहले शॉपिंग करने जाती है, वो एक बैग का दुकान में जाती है। उसको एक बैग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, पर उसका एक स्टाफ बोलता है कि बैग पहले से ही कोई रिजर्व कर रखा है, जिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जिया वहाँ से जाने लगती है, तो फूजी बोलते हैं कि हम भी तुम वो भी तू उसके साथ जाएगा, पर जिया उसको मना करती है। तो बोलती है कि एक शख्स पर, वो बोलती है कि तुम्हें मेरे सारे एक्सपेंस खर्चे उठाने होंगे, तो वो मान जाता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए। वो उसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको बोलते हैं कि आज पे ये करेंगे। फिर बोलते हैं कि वो बोलता है फूजी कि फिर अब बताओ तुम्हें फिर कहाँ जाना है। तो बोलते हैं कि तुम अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। जिया वॉशरूम के लिए जा रही थी, तभी एक आदमी गिर जाता है कि उसको हार्ट अटैक आया था। उसको CPR देने लगती है, बहुत ज्यादा घबराई हुई रहती है। तो फूजी उसको देखता है, उसके लोग ठीक हो जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था? तो वो बोलती है कि मेरे डैड भी एक होटल में ओवरनाइट काम कर रहे थे, तभी उनका हार्ट अटैक आया था, पर उन्हें कोई CPR देने वाला वहाँ नहीं था। बोलती है कि वो लिंक का म्यूजिक सुनती थी तो उसका पैल्पिटेशन चला जाता था और नॉर्मल हो जाता था। उस पर जिया बोलते कि तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं है? इसके बाद उसको पैल्पिटेशन का फिर से प्रॉब्लम होने लगता है। तो वो बोलती है मोबाइल ढूंढने के लिए, पर उसको मोबाइल नहीं मिल पाता है। पियानो देखता हूँ, पियानो बजाने लगता है। वो पियानो बिल्कुल भी लिन की तरह बजाने लगता है। फिर जिया का पैल्पिटेशन भी कम हो जाता है और फिर फ्यूजी को एकदम देखने लगती है। जिया बोलती है कि तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, फिर तुम्हें गाना कैसे याद है? फ्यूजी उसको तो कुछ ज्यादा ही प्यार से देखने लगता है। वो लोग किस करने जाता था, एक बच्चा डिस्टर्ब कर देता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। जब वो लोग वापस आ रहे थे तब जिया बोलती है कि तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, फिर तुम्हें म्यूजिक कैसे याद है? जिया बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। जब उसको फ्यूजी होटल ड्रॉप करता है तब बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। तब बोलती नहीं, मेरा ब्लड शुगर कम हो गया था इसके वजह से। वो वहाँ से चली जाती है। तब उसी टाइम उसको फ्रेंड का कॉल आता है, कुछ दिन बाद मैं चाइना आने वाला हूँ चित्मा चेकअप करने के लिए, तब तक तुम्हें लिन का ध्यान रखना होगा। जिया घर जाती है तो रात भर वो फूजी के बारे में ही सोचती रहती है। अब इससे हमें पता चलता है कि जिया अभी भी उसको लाइक करती है। वो दूसरा दिन ऑफिस जाती है, उसमें कजन पूछता तुम्हें क्या हुआ, तुम सोई नहीं हो रात भर क्या? तो उसको बताती है कि फूजी के बारे में और वो अपने बारे में। तब उसका कजन बोलता है कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? फिर वो बोलती है कि फूजी के ट्रैक में फिर नहीं फंसेगी वो और उसको अपना फायदा उठाने नहीं देगी। तभी जिया के पास उसके फ्यूजी के अंकल का कॉल आता है, वो कहते हैं मिलने के लिए, जहाँ पे वो उसे बाकी का शेयर बेचने के लिए बोलते हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 गुना पैसे ज्यादा दूंगा। नहीं मैं नहीं बेचूंगी। ये अपना शेयर बेचने से मना कर देती क्योंकि उसके साथ कुछ इमोशन जुड़े हुए थे। अंकल बताते हैं कि तुम अपना शेयर फ्यूजी को क्यों बेची, तो उसको समझ में नहीं आता है। तब उसके अंकल बताते हैं कि वो अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए तुम्हारा होटल का जमीन को भी धोखे से हासिल कर लिया है और तुम्हारे सारे शेयर्स को भी खरीद लिया है। फिर जिया को याद आता है कि उसने बिजनेस प्लान को देखा था जिसमें उसका होटल का कहीं नाम भी नहीं था। जाते वक्त जिया बोलती है कि वो होटल किसी को भी नहीं देगी। अब वो डायरेक्टली फूजी के पास पहुंच जाती है, बोलती है कि तुम्हारा इस प्लान में कभी भी सक्सेस नहीं होने दूंगी। वह बोल के वहां से चली जाती है। फूजी को देखते हैं जो लिंक का म्यूजिक प्रैक्टिस बहुत किया था वो सीख भी जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारे वीडियो को सपोर्ट मिलता है।